और अब परवाह देशकी के दूसरे भाग में देखिए जिनपिंग का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया या फिर ये उनकी मजबूरी है। भारत चीन दोस्ती की इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। आज वो हुआ जिसका इंतजार 2020 के बाद से हो रहा था। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत थी। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलैटरल थी। कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हर वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच किसी पुल की तरह दिखाई दिए। भारत और चीन के बीच तनाव का पहाड़ कुछ हद तक टूट गया, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ और क्या चीन पर अब भी भरोसा किया जा सकता है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने सामने बैठे, तब भारत में शाम के 5 बजे थे। द्विपक्षीय बातचीत शुरू करने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा यह मुलाकात जरूरी थी और भारत चीन समेत पूरी दुनिया को पिछले 5 साल से इस बैठक का इंतजार था। प्रधानमंत्री जी, कजान में आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। 5 साल में ये पहला मौका है जब हम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे दोनों देशों के लोग और पूरी दुनिया को इस मुलाकात का इंतजार था। चीन और भारत दोनों पुरातन संस्कृतियां हैं और महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं। दोनों पक्षों के लिए ज्यादा बातचीत और सहयोग करना, हमारे मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना और एक दूसरे के विकास आकांक्षाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples. 5 साल से रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत और चीन के बीच सीमा पेट्रोलिंग पर बनी सहमति का स्वागत किया और फिर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से दो टूक शब्दों में कह दिया कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनी रहना सबसे जरूरी है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए 30 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग करीब करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में भारत और चीन के गंभीर मुद्दों पर मंथन करते रहे। बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकले और गर्म जोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। ब्रिक्स समिट से आई ये तस्वीर भारत चीन रिश्तों पर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक के लिए इस मुलाकात के अपने अपने मायने हैं। क्या ब्रिक्स में मोदी शी की ये मुलाकात भारत और चीन के संबंधों की एक नई शुरुआत है? क्या इस मुलाकात ने पृथ्वी के दो सबसे बड़े राष्ट्रों के बीच सीमा पर बने तनाव के पहाड़ को हटा दिया है? क्या इस मुलाकात ने भारत और चीन के रिश्तों की कड़वाहट मिटा दी है? पिछले साल 2023 में जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तब पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था।
लेकिन सीमा पर तनाव के चलते उनके बीच द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई थी। इससे पहले जब साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई थी, तब भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक रूप से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। आज कजान में हुई मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच आखिरी द्विपक्षीय बातचीत अक्टूबर 2019 में हुई थी। तब शी जिनपिंग भारत में पीएम मोदी के विशेष अतिथि थे। दोनों नेता महाबलीपुरम में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए मिले थे, लेकिन इस मुलाकात के कुछ महीने बाद ही जून 2020 में चीन ने गलवान में धोखा दे दिया और एलएसी पर तनाव बढ़ गया। भारत सरकार का क्लियर स्टैंड था कि जब तक चीन सीमा पर साजिशें करना बंद नहीं करेगा, कोई द्विपक्षीय बात नहीं होगी। मोदी जिनपिंग की यह मुलाकात मुमकिन हुई क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए और एलएसी पर दोनों देश 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत चीन के रिश्तों पर पिछले 5 सालों से जमी बर्फ आखिर पिघली कैसे? प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत की जमीन तैयार कैसे की गई, इसे लेकर TV9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इस मुलाकात के 5 मुख्य किरदार हैं: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के विदेश मंत्री SJ, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, भारत के NSA अजीत डोवल और दिल्ली में चीन के नए राजदूत ज्यू फीहोंग। व्लादिमीर पुतिन ने चीन पर भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने का दबाव बनाया। बीते कुछ महीनों में भारत के विदेश मंत्री SJ और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की कई मुलाकातें हुई। इन्हीं बैठकों में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। उधर NSA अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री के साथ मोदी जिनपिंग के बीच बातचीत की योजना तैयार की और भारत में चीन के नए राजदूत यू फिन होंग ने कई बार भारत की तारीफ करके दोनों देशों के बीच की तल्खी को कम करने का भी माहौल बनाया। चीन के मीडिया पर भी भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की तारीफ की गई। चीन ने LAC पर 2 कदम पीछे हटाए तो भारत ने भी 2 कदम आगे बढ़कर चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल बाद चीन LAC पर समझौते के लिए तैयार कैसे हुआ? क्या चीन का झुकना उसकी मजबूरी है या कजान में चीनी राष्ट्रपति के हंसते चेहरे के पीछे चीन की कोई चाल हो सकती है? इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा करना हमेशा भारत पर भारी पड़ा है, इसलिए चीन को ठीक तरह से हैंडल करने में इस बार भारत सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारत की कूटनीति और रूस के दबाव में चीन को कदम पीछे खींचना पड़ा क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसे कोई बाजार नहीं मिल रहा है। एक तरफ भारत ने ग्लोबल मंचों पर चीन को अलग थलग करना शुरू किया तो दूसरी तरफ एप्पल समेत कई बड़ी कंपनियां चीन छोड़ रही हैं। ऐसे में चीन को भारत के साथ मिलकर काम करना उसकी मजबूरी बन गई। चाइना एडजस्ट कर रहा है, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। आज की दुनिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि ये दुनिया है मल्टीपोलैरिटी ही, अलग अलग पोल्स बन रहे हैं दुनिया में। हम भी एक पोल हैं, चाइना भी एक पोल है, तो इन दोनों पोल्स को आपस में एडजस्ट भी करना है फॉर फ्यूचर पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों को स्कोप दिखता है कि अगर हम एडजस्ट करें थोड़ा थोड़ा तो हमें बेनिफिट या फायदे हमारे देशों को काफी हो सकते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। अब मोदी जिनपिंग मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी समझिए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पुतिन ने भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की पहल की। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली अलग अलग मीटिंग के दौरान पुतिन ने कई बार संदेश दिया कि एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और चीन के रिश्ते सामान्य होना जरूरी है। कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी पुतिन पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हर वक्त एक पुल की तरह दिखे।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आने वाली हर तस्वीर में पुतिन के एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दिए तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग। लेकिन भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत अचानक नहीं हुई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारने के स्पष्ट संकेत दिए। सबसे पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास हुए। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई शिखर वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच माहौल सुधारने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी कभी खत्म नहीं हुए। इसी साल जुलाई में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा काम किया, संबंध बहाली की बात आगे बढ़ी। फिर जुलाई में लाओस में दोनों देशों के विदेश मंत्री एक बार फिर मिले। इसी बैठक में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर फैसला हो गया। लेकिन ये बातचीत कब होगी, कैसे होगी, इसकी तैयारी भारत के एनएसए अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने की। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए चीन के राजदूत ने भी लगातार भारत के समर्थन में बात की। दूसरी तरफ विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कई मौके पर कहा कि चीन के साथ गलवान के बाद बड़े सीमा विवाद का 75% या उससे ज्यादा समाधान हो चुका है। लेकिन अब बारी 100% समाधान की थी। दोनों देशों की सेनाएं 2020 वाली स्थिति पर जाने को सहमत हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी मुमकिन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और नेटो देशों का डर यह है कि अगर पश्चिम और मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बीच भारत, रूस, चीन तीनों एक हो गए तो वैश्विक राजनीति 360 डिग्री घूम जाएगी और दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बदल सकता है। रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन काफी हद तक अमेरिका और नेटो देशों को डराने में कामयाब तो रहे हैं। कजान में दुनिया ने पुतिन का पावर शो कैसे देखा, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिक्स के महासम्मेलन में भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ ही नहीं पिघली, अमेरिका का तनाव बढ़ गया है। कजान में सिर्फ ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन ही नहीं हुआ, यहां अमेरिका और नाटो ने पुतिन का पावर शो देखा है। हमारे संगठन के सदस्य देशों में वास्तव में बहुत बड़ी राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय क्षमता है। हम समान मूल्यों वाले और एकजुट देश हैं। ब्रिक्स में विभिन्न महाद्वीपों, विकास मॉडल, धर्मों, सभ्यताओं और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संप्रभु देश शामिल हैं। रूस के कजान शहर में हुई ब्रिक्स प्लस की बैठक में 36 देशों ने भाग लिया। इतने देशों को अपने साथ एक मंच पर खड़ा करके पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को दिखा दिया कि वो असली बाजीगर है और रूस को अलग थलग करना नामुमकिन है। पिछले 3 दिन में पुतिन ने जिन मेहमानों का स्वागत किया वो दुनिया की 40% आबादी और 30% अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस कई समस्याओं का सामना कर रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था पर डॉलर का दबदबा है। पुतिन अमेरिका के इसी बादशाहत को तोड़ना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों की मीटिंग में मंथन हुआ कि कैसे ग्लोबल व्यापार का कोई ऐसा जरिया निकले जिसमें डॉलर, यूरो या G7 की कोई और करेंसी ना हो। पुतिन की अध्यक्षता में हुआ ब्रिक्स देशों का 16वां सम्मेलन इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इस पे 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है।
बैठक में इन्हें लेकर चर्चा होगी। हम कोशिश करेंगे कि नए देशों को जोड़ने से संगठन की क्षमता पर असर न पड़े। पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका और नाटो को ब्रिक्स से चुनौती मिले और एशिया में शक्ति का एक ऐसा समीकरण बन जाए जिसके सामने अमेरिका और नाटो के 32 देशों की ताकत भी छोटी साबित हो। बाइडेन पिछले 2 साल से ये कह रहे हैं कि वो पुतिन को दुनिया के पटल पर अकेला कर देंगे, लेकिन पुतिन ने कजान में 36 देशों के प्रतिनिधियों से बात करके और 20 द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करके न सिर्फ अपनी ताकत दिखा दी है बल्कि नए शक्ति समीकरण बनाने की तरफ भी बड़े कदम बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।